बोर्ड 2021 में कॉन्सेंट्रेशन टर्म से क्या क्वेश्चन बनने वाला है, चलिए देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा, वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। 20 डेज प्लेस चल रही है जिसमें आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो और इस मोटिव के साथ कर रहे हो कि अब की बार 95 पार। चलिए बढ़ते हैं आगे और ये देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म से बोर्ड 2021 में किस तरह का क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो बोर्ड 2021 में कॉन्सेंट्रेशन टर्म से पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अगर आपको याद हो प्रीवियस वीडियो में, अगर थोड़ा सा बन जाए तो वहां पर अपन ने ये देखा है कि ऐसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म जिसमें वॉल्यूम फैक्टर यूज होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, और ऐसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म जिनमें वॉल्यूम फैक्टर यूज नहीं होता वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मोलिलिटी दिख जाएगा और मोलिलिटी जो है वो आपका सही आंसर होने वाला है। आप जानते हो इस बार एमसीक्यू आने वाले हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म से पहला जो एमसीक्यू बनेगा वो कुछ इस तरह से ही बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेंट्रेशन टर्म से क्या बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेंट्रेशन टर्म से हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी और मोलिलिटी। या तो क्या करता है वो डेफिनेशन पूछता है कि मोलरिटी को डिफाइन करो, मोलरिटी को डिफाइन करो, या डिफरेंस पूछता है। अपन ने दोनों क्वेश्चन को कंबाइन कर दिया और एक इस तरह से बनाया है कि अगर वो कोई सा भी क्वेश्चन अगर मोलरिटी या मोलिलिटी से पूछे तो आप बहुत रफ्तार में उसका जवाब दे सको। तो क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोलिलिटी। तो अपन ने यहां पर डिफरेंस बना के लिखा हुआ है, भाई आपको भी इस तरह से लिखना है अगर आपको पूरे नंबर चाहिए। जैसा आप जानते हो यार कि पिछली बार 2020 में अंदर, ठीक है, तो अपन ने बोर्ड की कॉपी चेक करी थी केमिस्ट्री की, ठीक है, तो वहां पर क्या था यार कि जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी होती और जो सीक्वेंस में क्वेश्चन को सॉल्व करता है, ठीक है, सीक्वेंस में अगर सॉल्व नहीं करोगे कि एक अभी सॉल्व कर लिया, ठीक है, फिर पिछले वाला उठा लिया कि भाई 26 नंबर का उठा लिया, फिर 13 नंबर का उठा लिया, फिर दूसरे पे पहुंच गए, तो इससे होता है क्या है कि टीचर थोड़ा सा परेशान होता है। तो ऐसी गलती ना करें। आप अगर पीछे से उठा रहे हैं तो पीछे को साथ में लेके चलें, भाई थोड़ा बहुत डिफरेंस चल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही उठा लिया, एक पीछे, फिर बीच में, फिर एक आगे, फिर पीछे, ऐसा नहीं, ठीक है, सिक्वेंस गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर आप पीछे से सॉल्व कर रहे हैं तो पूरे पेपर को पीछे से सॉल्व करें, और आगे से सॉल्व कर रहे हैं तो आगे से सॉल्व करें, ठीक है। और राइटिंग थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, मेरी तो थोड़ी बहुत अच्छी है, ठीक है, लोग बाग बोलते हैं कि राइटिंग बहुत अच्छी है सर, ठीक है, मैंने कहा ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि मोलरिटी और मोलिलिटी में डिफरेंस होता क्या है। तो अपन ने यहां पर चार पॉइंट बनाए। सबसे पहला जो डिफरेंस करा है वो है अपने डेफिनेशन पर बेस्ड, की डेफिनेशन क्या होती है। मोलरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो पहली डेफिनेशन। दूसरा फॉर्मूला, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां पर मोलरिटी to number of moles of solute upon weight of solvent in kg. Third जो difference करा है वो unit के basis पर, unit equal to mole per liter, और इसकी unit mole per kg, mole per kg, mole per liter. ये temperature dependent होता है, ये temperature independent होता है। जैसा आप जानते हो volume term use हो रहा है, temperature dependent, volume term use नहीं हो रहा, temperature independent. अगर आप ये चार point लिखकर आते हैं इसके difference में तो आपको full marks मिलने वाले हैं, कोई आपके number नहीं काट सकता है। बस आपको इस तरह से बनाना है, पहली definition, दूसरी इसका फॉर्मूला, तीसरा यूनिट, और फोर्थ आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट है या टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म से कुछ इस तरह से बनने वाला है। अब देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन कॉन्सेंट्रेशन टर्म से हमारे पास क्या बनने वाला है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म से थर्ड क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वॉटर इज लेबल्ड एज 10% W/W. What would be the molality and mole fraction of each component in the solution? If the density of solution is 1.2 gram per ml, then what shall be the molality of solution? ये question अपने आप में important है क्योंकि ये वन मैन आर्मी है, क्योंकि यहां पर एक क्वेश्चन है जिसमें आपकी तीन चीजें यूज होंगी,
ठीक है। तो मतलब ऐसे क्वेश्चंस को अपने रिवीजन में जरूर यूज करें। देखो क्वेश्चन है आपके पास कि एक सॉल्यूशन है ग्लूकोज का पानी के अंदर, मतलब एक्वस सॉल्यूशन है जिसपे लिखा हुआ है कि ये 10% WYW है। 10% WYW एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है, इसका मतलब क्या होगा कि आपका 10 ग्राम ग्लूकोज है किसमें, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। WYW का मतलब क्या, वेट बाय वेट परसेंटेज है, मतलब इसका मतलब हुआ 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। हमसे पूछा है कि इसकी मोलैलिटी या मोल फ्रैक्शन क्या होगा। अब यहां पे समझें तो हमारा ग्लूकोज का वेट कितना हुआ 10 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या होंगे, वेट ऑफ ग्लूकोज अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज कितना होता है 180। देखो इस क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज नहीं गिवन है, तो याद रखें कि जो जो कुछ कॉमन जो सॉल्यूट्स होते हैं उनके आप मॉलिक्यूलर वेट याद रखें। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा 10/180, दैट इज 0.055। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज आ गए। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है भाई 100 ग्राम, तो वेट ऑफ वाटर दैट इज सॉल्वेंट क्या होगा कि वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूशन कितना है 100, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 10, मतलब 90 ग्राम आपके पास वाटर है। तो वाटर के मोल्स कितने होंगे 19/18, ठीक है 90/18, क्योंकि 18 मॉलिक्यूलर वेट होता है वाटर का, तो 5 मोल्स हमारे पास वाटर आ जाएंगे। तो हमारे पास 5 मोल वाटर के हैं और 0.055 मोल्स किसके हैं हमारे पास ग्लूकोज के हैं। तो सबसे पहले अगर अपने मोलेलिटी फाइंड करनी है, तो मोलेलिटी क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं ग्लूकोज के 0.055 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में। वेट ऑफ सॉल्वेंट वाटर का वेट कितना है 90 ग्राम में नहीं केजी में चाहिए, तो 1000 से डिवाइड कर दिया भाई। तो यहां पर जो मोलेलिटी निकली है वो कितनी निकली 0.617। अब दूसरा आपसे पूछ रहा है कि मोल फ्रैक्शन क्या होने वाला है, तो यहां पर अगर बात करें मोल फ्रैक्शन अगर ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन टोटल मोल्स ऑफ ग्लूकोज दैट इज मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल्स ऑफ वाटर। तो यहां पर ग्लूकोज के मोल्स कितने 0.055, मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल्स ऑफ वाटर, ग्लूकोज के मोल्स अपॉन वाटर के मोल्स कितने हैं भाई 5, तो 0.055 प्लस 5, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इतना आएगा 0.1। अब आपको अगर मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, 1 माइनस 0.1 दैट इज 0.9 आपका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा वाटर का। दो चीज आपने निकाल ली है। अब थर्ड चीज भी आपसे पूछ रहा है कि इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml देन व्हाट शैल बी द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहां पर हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है, लेकिन हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए अपन डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.2 ग्राम पर ml, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी जो डेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी 1000/12 ml, ये आपकी वॉल्यूम आने वाली है, तो वॉल्यूम हो जाएगा 1000/12 ml। तो मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना 0.055 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1000/12, लेकिन ये किसमें ml में, तो लीटर में चाहिए, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो मोलैरिटी आएगी वो कितनी आएगी 0.66 यहां पर आपके पास मोलैरिटी आने वाली है। तो ऐसा क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपके कोई नंबर नहीं काट सकता है यार, ठीक है। आपने हर चीज को मेंशन करा है और हर चीज में आपने यहां पर पूरी वैल्यू कैलकुलेट करी है भाई। तो इस तरह का थर्ड क्वेश्चन आपसे न्यूमेरिकल बन सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। अब बात करते हैं कि आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है कॉन्सेंट्रेशन टर्म से वो किस तरह का क्वेश्चन कॉन्सेंट्रेशन टर्म से बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 में हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 केजी ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया इज 60 ग्राम पर मोल। कि यहां पर इस क्वेश्चन को पढ़ के ये समझ आ रहा है कि हमें ये निकालना है कि मास ऑफ यूरिया हमें कितना रिक्वायर्ड होगा जिससे कि हम 0.25 मोलर 2.5 केजी सॉल्यूशन बना सकें। यहां पर हमें मोलैलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी है ये, तो मोलैलिटी किसके बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहां पर मोलैलिटी कितनी गिवन है 0.25,
वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है, 2.5 केजी। अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2500 ग्राम हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट है। अब मान लेते हैं कि हमें जो यूरिया का वेट रिक्वायर्ड है 0.25 मोलर 2.5 केजी एक्वस सॉल्यूशन बनाने के लिए, वो कितना रिक्वायर्ड है, एक्स ग्राम रिक्वायर्ड है। तो वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, ये वेट ऑफ क्या है सॉल्यूशन, ये वेट ऑफ सॉल्यूट है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा कि 2500 ठीक है माइनस एक्स ग्राम, ये हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। तो अपन यहां पर इसे वेट के टर्म में इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर दें, तो वेट के टर्म में कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ मोल्स को वेट के टर्म में लिख देना है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहां पर देखें कि हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट कितना माना हुआ है, एक्स ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 60 ग्राम पर मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है हमें, हमें गिवन है भाई 2500 माइनस एक्स, लेकिन ग्राम में है, केजी में चाहिए तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मोलरिटी की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, मोलरिटी की वैल्यू गिवन है 0.25। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे भाई, इस पॉइंट को हटा देंगे, 100 ले आएंगे तो ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 इक्वल टू 1000x अपॉन 60 इंटू 2500 माइनस एक्स। तो इसे इक्वेशन बनेगी और आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, तो एक्स की वैल्यू आपके पास निकलेगी 36.94 ग्राम। तो जो वेट ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड होगा जिससे कि आप 0.25 मोलर 2.5 केजी सॉल्यूशन तैयार कर सकें, तो वेट ऑफ यूरिया कितना रिक्वायर्ड होगा 36.94 ग्राम, इतना यूरिया का वेट आपको रिक्वायर्ड होगा भाई। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपके पास जो नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन कंसंट्रेशन टर्म से किस तरह का बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसंट्रेशन टर्म से हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, एन एक्वस सॉल्यूशन हैज मोलैलिटी 11.11, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कि हमारे पास एक एक्वस सॉल्यूशन है जिसकी मोलैलिटी 11.11 देखे रखी हुई है, हमसे पूछा है कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट या सॉल्वेंट का क्या होने वाला है। तो हमारे पास क्या है भाई 11.11 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि सॉल्वेंट यहां पर वाटर का यूज करा हुआ है भाई, सॉल्वेंट क्या लिया गया है, वाटर लिया गया है। तो 11.11 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हुआ 11.11 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। जब मैंने आपको टर्म समझना सिखाया था कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म का एक्चुअल मतलब क्या होता है, उसका फील क्या होता है, उनसे ये क्वेश्चन सारे बन रहे हैं। तो जिसने अभी तक पहली वीडियो नहीं देखी है भाई सॉल्यूशन की, वो सबसे पहले जाकर पहली वीडियो देखे फिर यहां पर आए, तब ये बहुत आसानी से बन जाएगा दोस्त, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास है 11.11 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आ गए 11.11। मोल्स ऑफ वाटर की बात करें तो वेट ऑफ वाटर कितना होगा 1 kg मतलब 1000 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना 18, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज नंबर ऑफ मोल्स, वेट 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 18, दैट इज 55.55 मोल्स हमारे पास वाटर के आने वाले हैं। अब यहां पर अगर बात करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मुझे चाहिए, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ वाटर। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं भाई 11.11 अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट 11.11 प्लस मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं 55.55, तो ये कितना आएगा 11.11 डिवाइडेड बाय 66.66, तो ये आ जाएगा 1/6। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज 1/6। अगर आपसे कोई पूछे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट वाटर का क्या होगा, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि 1 - मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना है 1/6, तो यहां पर कितना आ जाएगा 5/6 हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगा सॉल्यूट का, क्योंकि हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो क्या होता है, यूनिटी। तो इससे पहले आप ये भी लिख लेना भाई कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 के बराबर होता है, ठीक है, फिर आप यहां पर इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन को एग्जामिनर को इस तरह से सॉल्व करके बताना है, इस तरह से मान के करना है कि एग्जामिनर को कुछ नहीं आता, उसे अपन पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। जब वो कॉपी देखे तो हर चीज एक तो नीट और क्लीन होनी चाहिए आपकी कॉपी आए, ठीक है, ज्यादा काटा पीटी नहीं होनी चाहिए। अगर काट भी दिए हो तो एक लाइन से काट देना, ऐसा है ना, ऐसा नहीं पेंसिल से आप काट सकते हैं, ऐसा नहीं पूरा गूंद दिया उस कॉपी को, ठीक है। अपन लिखना सीखेंगे कॉपी में कि कॉपी में किस तरह से लिखते हैं। अगर आपके पास
सिर्फ 70% नॉलेज है, 70% आपको आता है, तो आप आराम से 80-85% स्कोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज ट्रिक्स। ठीक है, ये कुछ ट्रिक्स होती हैं, जब आप बोर्ड एग्जाम लिखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले आपको बता दूंगा कि आपको किस तरह से सॉल्व करना है। तो इस तरह से कॉन्सेंट्रेशन टर्म से आपके न्यूमेरिकल इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। कुछ तीन टाइप के क्वेश्चन बने हैं, पहला आपके पास बना हुआ है क्या भाई, आपके पास एमसीक्यू बना है, दूसरा डिफरेंस बना है और तीसरे न्यूमेरिकल फॉर्म हुए। तो इस तरह से आपके यहां पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट खत्म हुआ सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन के तीन पार्ट हैं, कौन कौन से, कॉन्सेंट्रेशन टर्म, राउट फ्लो और तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पर पहला जो पार्ट है वो यहां पर खत्म हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में अपन नया पार्ट लेकर आएंगे, दैट इज राउट फ्लो, उसका सीखेंगे कि वहां पर किस तरह के क्वेश्चन बनने वाले हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहें, जय हिंद जय भारत।